सब्सक्राइब कीजिए सवल पर यार MGT चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोहल परार, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल MDT में। दोस्तों आज का ये दोस्तों कोई टॉपिक नहीं है, ये दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यूअर ने दोस्तों मेरे से क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन ये है, क्या दोस्तों जो एप्पल के जो लैपटॉप रहते हैं, जो अपने स्मार्टफोन है, उससे दोस्तों बेटर रहते कि नहीं। दोस्तों मैं आपको पहले आप क्वेश्चन पढ़ के दिखा दूँ, इससे आप अच्छी तरीके से समझ जाते हो। दोस्तों क्वेश्चन ये है, एप्पल के मैकबुक का कैमरा ओप्पो वीवो रेडमी के 48 मेगापिक्सल से बेटर है कि नहीं। दोस्तों आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, जल्दी से जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरीके से आप लोग के लिए दोस्तों टॉपिक लाता रहता हूँ। दोस्तों आपके मन में जो भी दोस्तों टॉपिक है, जो भी दोस्तों आपके मन में डाउट है, वो दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक मामूली सा लैपटॉप और एक मामूली सा दोस्तों आपको कोई सा भी फ़ोन, कोई सा भी लैपटॉप 15 से 20 हज़ार और कोई सा भी मोबाइल 5 से 6 हज़ार, दोनों में दोस्तों कैमरे के अंदर करेंगे तो इसमें भी दोस्तों आपको 2 मेगापिक्सल 3 मेगापिक्सल मिल जाएगा और जो लैपटॉप है उसमें आपको 1 मेगापिक्सल 1.5 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लैपटॉप के कैमरे इसलिए कम आते क्योंकि उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं रहता। दोस्तों ने अभी कभी सुना है जो कोई एप्पल के या कोई से भी दोस्तों लैपटॉप से दोस्तों फोटो शूट करवा किसी ने इंस्टाग्राम या किसी फेसबुक पे डाला हो फोटो शूट विथ माई लैपटॉप, क्योंकि जो लैपटॉप के जो कैमरे रहते काफ़ी दोस्तों बेटर नहीं रहते, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस है जो लैपटॉप के कैमरे पर नहीं, उनकी जो प्रोसेसर जिनका काम चल रहा है दोस्तों उन पर रहती। जैसे सपोज करो दोस्तों, जैसे आपके लैपटॉप में ना कोई ग्राफिक कार्ड डाले, ना ज़्यादा रैम डाले, ना ज़्यादा हार्ड डिस्क डाले, ओनली कैमरे डाल दे, तो अब लैपटॉप किस काम का, कैमरा तो आपको फोन ही में मिल जाएगा। इसलिए जो उनका लैपटॉप के जो कैमरे रहते काफ़ी अच्छे नहीं, बस इतना दे देते जो आपका काम चलाओ आपका चला सके। वैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो लैपटॉप मैकबुक का है 2 लाख रुपए का, इसमें दोस्तों जो आप इसकी बैक कैमरा की डिटेल देख सकते हैं 720p। इसलिए दोस्तों 720 इसलिए दे दी क्योंकि दोस्तों जो आप मिनिमम आप किसी आदमी को देखोगे तो 720 में क्लियरली जो आदमी इंसान दिखने लगे, जब भी आप किसी को वीडियो कॉल करोगे या किसी कॉन्फ्रेंस हो तो किसी भी कॉल वगैरह करोगे 720 में तो इंसान आसानी से दिख जाएगा। अब जो वही 720 आप किसी भी फ़ोन में लोगे तो मिनिमम आपका मोबाइल 7-8 हज़ार या 9 हज़ार या 15 हज़ार का होगा। 720 दोस्तों उसमें आप आराम से मिल जाएगा, 720 के उसमें 1080 भी मिल जाएगा, 2K भी मिल जाएगा। दोस्तों जो फ़ोन से मैं शूट करता हूँ या जो मेरे पास फ़ोन है वो है Realme 6, इसमें भी दोस्तों 4K में वीडियो शूट कर सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छा, उसी तरह से लैपटॉप की जो कैमरे रहते इसलिए कम दिए रहते कि उसमें दोस्तों ज़्यादा काम नहीं रहता। अब दोस्तों वैसी साइड आप अपने मोबाइल की तरफ ले चलो, मोबाइल में जैसे सपोज करो कोई मोबाइल में दोस्तों कैमरे वगैरह या महंगे कैमरा नहीं लगाए, वही सदियों पुराने वही मेगापिक्सल चल रहा है, वही मेगापिक्सल चल रहा है, वही रैम बढ़ जाए, वही रोम बढ़ जाए, तो आदमी मेगापिक्सल रैम रोम का क्या करेगा यार, आदमी को जब इतना ज़रूरत ही नहीं है। ऑनली ज़्यादातर दोस्तों जितनी भी इंसान है सब फोटोग्राफी के मसाद से दोस्तों इतने महंगे महंगे मोबाइल लेते, इसलिए दोस्तों महंगे के जो मोबाइल हैं उनको दोस्तों रिनोवेट करना ज़रूरी है। इसलिए जो लैपटॉप रहते हैं उनको रिनोवेट इसलिए नहीं करा क्योंकि दोस्तों इतना महंगा जो प्रोसेसर या जो उसका जो कैमरे का जो लेंस वगैरह जो लैपटॉप में लगा देंगे तो इसलिए दोस्तों उनका प्राइजेस काफ़ी बढ़ जाएगा। दोस्तों पहले आप देखते थे लैपटॉप वो या मोबाइल का कैमरा ओनली एक आता था, दोस्तों 2 आ गए 3 आ गए 4 आ गए, पर जो जो लैपटॉप का जो कैमरा है वो एक ही है, हमेशा एक ही रहेगा, कभी ना 2 होगा ना 3 होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनका कैमरा रहता काफ़ी दोस्तों कम यूज़ के लिए रहता। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको पता चल गया होगा जो एप्पल का जो लैपटॉप या कोई सी भी दोस्तों डेल वगैरह का लैपटॉप है अपने मोबाइल 48 मेगापिक्सल से बेटर है कि नहीं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी जल्दी से दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, नए तो दोस्तों मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम को दोस्तों फॉलो नहीं किया जल्दी से दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर आप लोग के लिए कोई अपडेट देता रहता हूँ। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके से अगली वीडियो में।